दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से काफी सुर्खियों में छाई हुई हैं, क्योंकि परिणीति चोपड़ा को आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के साथ स्पॉट किया गया है और तभी से कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अब तो इन दोनों की शादी की शहनाइयां भी बजने वाली हैं। इसके चलते अब परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की तैयारियां भी जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं। पर क्या आप जानते हैं कि किस तरह से इन दोनों की शादी की तैयारियां हो रही हैं? चलिए आपको भी बताते हैं आज की हमारी इस वीडियो के जरिए। पर उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा अक्सर लाइमलाइट में दूर रहती हैं, पर इन दिनों परिणीति चोपड़ा को आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के साथ स्पॉट देखा गया है। अब से ही इनकी डेटिंग की अफवाहें उड़ने लगी और पहली बार परिणीति चोपड़ा को राघव चड्ढा के साथ एक रेस्टोरेंट से बाहर आते नजर आए थे। हालांकि अब तक दोनों ने अपने रिश्ते पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन दोनों के रिश्ते की अफवाहों के बारे में जानने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं। वहीं परिणीति और राघव के परिवारों ने उनकी शादी पर भी चर्चाएं शुरू कर दी हैं और अब बहुत जल्द रोका सेरेमनी के जरिए दोनों का रिश्ता पक्का होगा कि दोनों के परिवार भी इन दोनों के रिश्ते से काफी खुश हैं और अब दोनों के परिवार मिलकर एक शुभ मुहूर्त देखकर दोनों की शादी की डेट फिक्स कर देंगे। इसी के साथ बता दें, परिणीति और राघव को मनीष मल्होत्रा के घर के बाहर भी स्पॉट किया गया है। कहा जा रहा है कि दोनों ने शादी की शॉपिंग भी शुरू कर दी है और इन दोनों की शादी के सभी फंक्शन काफी धूमधाम से होंगे, जिसके चलते इन दोनों की शादी की तैयारियां इन दिनों खूब जोरों शोरों से हो रही हैं। पर अभी तक दोनों ने अपनी शादी को ऑफिशियली तौर पर अनाउंसमेंट नहीं की है। वहीं बता दें, राघव और परिणीति एक दूसरे के कॉमन फ्रेंड के जरिए मिले थे और तभी से इन दोनों के बीच में दोस्ती शुरू हुई। हालांकि दोनों स्कूल से ही एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं और अब दोनों बहुत जल्द एक दूसरे से शादी करके हमेशा के लिए एक दूसरे के जीवन साथी बन जाएंगे। वेल दोस्तों, आपको राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की जोड़ी कैसी लगती है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।